अच्छा, ड्रामा सीरियल में आप इस चीज़ को जानते हैं कि आयरा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मजबूर हो चुकी है, कि मतलब उसके पास जो है ना वो कोई भी रास्ता नहीं है। अभी पहले जो है जब जैद उसको कहेगा कि भी मैंने तुमसे शादी करनी है हर सूरत में, तो वो उसको बड़े प्यार से समझाएगा कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ रहोगी ना तो तुम्हारी मेरा प्यार तुम्हारी कमज़ोरी है, लेकिन मुझे मेरा प्यार जो है ना मेरी ताकत लगता है। अब यहाँ पर आयरा पहले तो उसको बहुत ज़्यादा कन्वेंस करने की कोशिश करेगी कि मेरी और तुम्हारी शादी किसी सूरत नहीं हो सकती, बिकॉज मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं हूँ। मगर जैद जो है ना वो तो अपनी ज़िद पर अड़ा होगा और ये बेचारी के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है इसकी ज़िद को पूरा करने के लिए, क्योंकि इसके पास जैद से बेस्ट ऑप्शन अब कहीं भी मिल ही नहीं सकता है। लिहाजा यहाँ पर भाभी भी आयरा को यही चीज़ समझाएंगे कि भई तुम्हारे भाई की डेथ इसी तरह से लिखी थी तो वो इस दुनिया से चले गए हैं, आगे रही तुम्हारी बात तो तुम्हें मैं बिल्कुल बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकती और दुनिया बहुत बुरी है, अगर तुम जैद को छोड़ देती हो वो भी इन हालात में तो दुनिया तुम्हें नोच कर खा जाएगी, लिहाजा तुम्हारा जैद से शादी करना ही बेहतर है।